सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा हो सांचे दरबार के जय ओ शूलचंद्रा हिधरे महावृषभवाहिनी
महेश्वरे स्वरूपेणारायणे नमस्ते मयूरकुक्कुटभृते महाशक्तिधरे नखे कौमारे रूप संधारे नारायणे नमस्ते शङ्खचक्र गदा शङ्ख गृहीत परमायुधे प्रसीद वैश्वविरूपे नारायणे नमस्ते गृहीताग्र महाचक्र दशरथवसुन्धरे वराहरूपणे शिवे नारायणे नमस्ते नृसिंहरूपे नग्रहर्तं दैत्याङ्गदमे त्रैलोक्यकारसहित नारायणे नमस्ते विरेचने महावज्र सहस्रनयनज्वले वृत्रप्राणे चन्द्र नारायणे नमस्ते शिवदूते स्वरूपे नादैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणे नमस्ते दशाकरालवरे शिरोमाला विभूषणे चामुण्डमुण्डमथने नारायणे नमस्ते लक्ष्मीलज्ज महाविद्य षड्ज भूषे सुधेद्रवे महारात्रि महाविद्य नारायणे नमस्ते मेदे सरस्वति वरे भूते भ्रमितामसि नियते त्वं प्रसि देशे नारायणे नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते वैभस्त्रायिणो देवे दुर्गे देवे नमस्ते हे सत्यवरं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पादुनः सर्वभेदेभ्यः कात्यायणे नमस्ते ज्वालाकरालमत्यग्रं अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पादुनो भेदभद्रकाले नमस्ते विरसि नैत्यजयजासि स्वनेनापूरयाजगत् साघण्टापादुनो देवे पाप्यभ्यो नः सुधानिव असुरासेवसा पङ्कजचितस्य करज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयं रोगान् शेषानपः दुष्टा पृष्टा दुःखामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाशयतां प्रयान्ति एतत्कृतं यात् कदनद्वयाद्य धर्माद्विषाम्य विमहासुराणां रूपेणैके बहुदात्ममूर्तिं वित्वाम्बिकेतात्सकरातिकान्यां विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाध्येषु वाक्येषु जगात्वदन्या मम त्वकर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्ये तदतेव विश्वं रक्षासि यत्राग्रविशास्य नागा यत्रारयोदसु बलानि यत्र नावानलो यत्र तदाभि मध्ये तत्रासि पात्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकाधारयसि विश्वं विश्वेशवन्द्या भवते भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्राः देवे प्रसीदपरिपालयनारभेत नित्यं यदा सुर्वदा गरुणैव सद्यः पापाय सर्वजयतां प्रशमनयाशु उत्पादपाकजनिताश्च महापसर्गान् प्रणदानां प्रसीद त्वं देवे विश्वातिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामे त्रैलोकानां वरदा भव देव्योवाच वरदाहं सुरगणां वरं जन्मन शक्षत
दम्भनुद्दम्भयच्छामि जगदामुपकारकम् देवाऽऽचुः सर्वबाधा प्रशाणा त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भैरिविनाशनम् देव्यो वाच वैवस्वयन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भानिशुम्भस्य वाण्यमुत्पत्स्य ते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसम्भवा कदस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्युद्रोद्रेण रूपेण पृथवीतले अवतीर्यानिष्यामि भेटचित्ता सुदानवान् लक्ष्यन्त्याचदानुग्रान्ध प्रचित्तान् महासुरान् रक्तानन्दा भविष्यन्ते दारिमे कुसुमोपमाः कदो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके जमानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ते सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्चाशभाषिक्यामना भ्रेष्ठा मनं भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यामयो निजा तदाशदेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनि केतयिष्यन्ति मनुजाक्षुराक्षिर्मिति मां ददः कदोऽहमखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवेहि करिष्यामि सुराशाके रावृष्टे प्राणधारकैः शाकं वरेद विख्यातं ददायासामहं भुवि तत्रैव वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवेद विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं गदाभीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षासि भक्षयिष्यामि मुनीनान्तानकारणात् तदा मामुनिहा सर्वे सोषन्द्रानं रमूतयः भीमादेवेत विख्यातं तन्नाम भविष्यति यदाख्यत्रैलोके महाभादं करिष्यति तदाहं रामरं रूपं कृत्वा सङ्गे षट्पदम् त्रैलोक्यस्यैकार्थाय भजिष्यामि महासुरम् रामरेते च मां लोकार्था शोषन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा वादा दानवता भविष्यति तदा तदा वदेयाहं करिष्यामि संशय इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की संध्याकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिस से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान ओम विद्युद्गम सम प्रभा मृगपते स्कन्धस्थिताम्भेषणां कन्या विकरवालकेन विलसत् हस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रदासिकेन विशिखा गुणदरणे विप्राणामनलात्विकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ व्यवाच एभिस्तवै च मान्यतां दोषदयः समाहितः कस्याहं सदा बाधां नाशयिष्याम्य संशयम् नदो कैरवनाशं च महिषासुरघातनं केतयिष्यन्ति एतद्वल्लं शुम्भन शुम्भयोः
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां च गजतथा शोषन्ति च वज भक्त्या महामात्मोत्तमम् नादेशां दुष्कृतं किञ्च दुष्कृतोत्था न च पदः भविष्यति न दारिद्र्यं न च वेषवियोजनम् शत्रुभाणाभयं तस्य दस्युतो वानराजतः काशस्तारो योगाकराचि सम्भविष्यति तस्मान्मवैतं माहात्म्यं पठेतव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं सशयनहितम् उपसर्गान् शेषासो महामारे समद्भवान् तथा त्रिभुत्पादमाहात्म्यं शमयन्मम यत्र पठ्यते सम्यक् नित्यमायतन मम सदा नादद्य मोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् परे प्रदाने भूयायाम् अग्निकार्ये महत्समे सर्वं मे सच्चरितम् उच्चार्यं शाभ्यमेव च जानता जानता वादि भरे भोजां तदा कृताम् भजे शिष्याम्यहं प्रीत्या वन्यहोमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते राजवार्षिके तस्यान्वये तन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ते समन्वितः सर्वाबाधाभिनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्वसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममे तन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्त्यः शुभाः पराक्रमं च शुद्धेषु जायते निर्भयापमान् कृपः संशयाभ्यान्ते कल्याणं च उपपद्यते नन्दने च कुलं पुंसमाहात्म्यमशृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा स्वस्वप्रदर्शने जयपीडासु शोकासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाश्रमं यान्ते गृहपीडा च दारुणाः दुःस्वप्नं च निवर्तिष्ठन् स्वस्वप्नमुपजायते बालकाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातवेदे जनिनां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परम् दक्षभूतपिशाचानां बलधा देवनाशनम् सर्वं ममे तन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्धोपेश गन्धदेवे सदोतमे विप्राणा भोजने होमे भोक्षणीयहन्यशम् अन्ये चाभिरेर्भोगे प्रदाने वत्सरे नया प्रीतिर्मे कृते सास्मिन् सक्रे शोचते श्रुते शुगं हरति पापानि तदारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां केतनां मम युद्धेषु चरितं जन्म दुष्टदैत्यान्यवर्हणम् कस्मिन् सुदैवैः कृतं भयं पुंसामजायते युष्माभिस्तुतयो या च ब्रह्मश्रुवे कृताः ब्रह्मणा च कृता तासु प्रयच्छन्ति शुभामते अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाने परिवारितः दस्युभिर्दाभिधाशून्य गेतोपाभिशत्रुभिः श्रीमव्याघ्रानुजातो वा वने वामनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वद्यबन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वातेन सिता बोध महानवे पदस्तु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे विषदारुणे सर्वाभागासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन्ममे तच्चरितं नरमुच्चेद सङ्कटान् मम प्रभावासिराद्या तस्य भोवैर्नस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरस्तश्चरितं मम ऋषिर्वाच हेत्युक्ता भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवाना तत्रैवादधीयत ते विदेवानिरातङ्कः स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रविनिहतारयः एत्याश देव्या निहते शुम्भ देवर्भो युधि
यद् विद्वांसने तस्म महाग्र दुर्लभक्रमे यशुम्भे च महावीर्य शेषः पातालमाययुः एवं भगवति देवीता नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूम जगता परिपालनम् विश्वं सर्वविश्वं प्रसूयते साजाजिता च विज्ञानं तुष्टायत्यं प्रयच्छति व्यासं वेद सर्वं ब्रह्माण्डमनजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारि स्वरूपया सर्वकाले महामारि सर्वश्रेष्ठे भवत्यया श्रीं करोति भूतानां सर्वकाले सनातने भवतारेणीनां सर्वलक्ष्मीभिद्धिप्रदाग्रहे सेवाभावे तदा लक्ष्मीविनाशायोपजायते सुधा सम्पूजिता पुष्पे धूपगन्धादिवित्तदा जलादिवित्तं पुत्रा च मतिं कर्मे गतिं शुभाम् अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिवाच शिवदेवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डे जापः शुभो भवेत् न कवचं नागला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं न विधानं च न सोनजवाचनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभे अधिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनेव पार्वती मारणं मोहनं वर्षं सम्भनो चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्धे कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ गौं हौं क्लीं जौं सः ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हंसं लं चं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दने नमः कैटवहारिणे नमस्ते महिषादिने नमस्ते शुम्भहन्त्रे च शुम्भासुरघातने जागदं हि महादेवे यमं सिद्धं करिष्यामि ऐकारि सृष्टिरूपाय ह्रीकारि प्रतिपालिका ीकारि कामरूपेण बीजरूपेण नमोऽस्तुते चामुण्डा चण्डघाते जायैकारि वरदायिनि विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि घां भीं धूं धूर्जटे पत्नि वां भीं भों भागधीश्वरि कां क्रीं ह्रों कालिका देवि शां शीं शोमे शुभं कुरु हं हं हङ्गाररूपिण्यै जं 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 धनादिनि भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवे भद्रे भवान्येते नमो नमः अं कं चं टं तं पयं शं भीं धूं ऐं भीं हं शं धीराग्रं धीराग्रं त्रोदय त्रोदय एतं कुरु कुरु स्वाहा भां भीं कों पार्वते पुरा खां खीं कों केदरे तथा सां छीं सों सप्तरे देव्या मन्त्रसिद्धिं करिष्यामि इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रयागर्दे तवे अवक्ते नैव जातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती जस्तुकुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् नादस्य जायते सिद्धि अरण्ये रोदनं यथा ॐ श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेदव्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशरी जी के
पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों, शत्रुओं, दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती। श्री दुर्गा आप दुधाराष्टकम् नमस्ते चरण्ये श्रीवैदानकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके वेदरूपे नमस्ते जय पाप विनाशिने
क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्रारि क्रियन्ते अन्यसमया
अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओम का रख्य का नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से, लंबे स्वर से, हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन पदमय स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार रख्य का नाद कीजिएगा। संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव चियोंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से, उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार, ओकार और मकार के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को
पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। ते सम्मता यन पदेशु धनानि तेषां तेषां जशांसि नच सीति धर्म वर्गा धन्यास्त एव निविदात्व भित्त द्वारा येषां सदा भयदा भवति प्रसन्ना। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली माँ आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, यही देश में सम्मानित हैं, उन्हीं को धन और जश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और वृत्तियों के साथ धन्य माने जाते। धर्मयाणी देवी सकलाणी सदैव कर्माणि अत्यदा प्रतिदिन सुकृती करोति स्वर्गम प्रयाति ततो भवति प्रसादा लोक देवी फलदा ननु देवी तेन। देवी आपके कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है, उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है, इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय मनोवांछित फल देने वाली हैं। दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थे स्मिता मधिमति शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख वैहारणिका तदन्या सर्वोपकार करना सदार्थ चित्ता। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणी का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद रहता हो। सचियां जोतां वाली माता तेरे सदा ही जय, जयकारा शेरां वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की है। इस जगत में जभी जभी भी केवल हम ही भक्त पाए नहीं, स्वयं देवता पर भी जब कोई संकट का लान पड़ा है और उस समय जब किसी विशेष देवता ने उनकी सहायता नहीं की है तो अंत में उन्होंने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है और तब माता जी ने उनकी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन देकर के उनके सभी प्रकार के कष्टों को दूर किया है, मनोकामना को पूर्ण किया है। प्राचीन काल में देवताओं में श्रेष्ठ त्वष्टा नाम के प्रजापति थे जो देवताओं का कार्य करने में अधिक कुशल थे और किसी कारणवश इंद्र से द्वेष रखते थे, इसलिए उन्होंने तीन सिरों से युक्त एक पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम उन्होंने तिश्रा रखा। वो एक मुख से वेदाध्ययन करता था, दूसरे मुख से मधुपान करता था और तीसरे मुख से सभी दिशाओं का निरीक्षण करता था। तिश्रा ने संयम पूर्वक होकर के निराहार रह करके ब्रह्मा जी की आराधना करना प्रारंभ की जिससे इंद्र का सिंहासन डोल गया और उन्होंने उसकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा, परंतु जब वो इसमें सफल नहीं हो पाए तो स्वयं आकर के अपने तीव्रगामी आयुध वज्र द्वारा तिश्रा का वध कर दिया, जिससे पिता बड़े दुखी हुए और उन्हें पुनः अथर्ववेद के मंत्रों द्वारा एक और पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम उन्होंने बित्तासुर रखा। बित्तासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र का ऐरावत हाथी छीन लिया। यद्यपि पिता त्वष्टा से प्रसन्न हो गए परंतु उन्होंने और शक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना करने के लिए पुत्र बित्तासुर को परामर्श दिया। बित्तासुर ने ब्रह्मा जी की आराधना की और वरदान के रूप में अवध्यता का वरदान ले लिया, अर्थात वो ना दिन में मर सकता है ना रात में, ना अस्त्र ना शस्त्र से। इस प्रकार का वरदान प्राप्त करके उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। तब सभी देवगण ब्रह्मदास शंकर जी को साथ लेकर के वैकुंठ में भगवान विष्णु के गए के पास के और सारा वृत्तांत उनको बताया कि किस प्रकार बित्तासुर स्वर्ग का अधिष्ठाता बन गया है, महाराज उसके वध का कोई उपाय कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि उसको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, वो ना दिन में मर सकता ना रात में, ना अस्त्र ना शस्त्र से, इसलिए उसको छल कपट द्वारा ही मारा जा सकता है। और दूसरा, हम देवताओं को दुर्गा माता की आराधना करनी चाहिए जिससे वो उसकी बुद्धि को मोहित कर दें और वो सोमतापूर्वक मारा जा सके। स्वयं इंद्र भगवान ने उससे मैत्री धारण कर ली। कभी वो नंदनवन में विहार करते हैं, कभी समुद्र किनारे विहार करते हैं। एक दिन इस समय संध्या के समय वो दोनों विहार कर रहे थे तो इंद्र के मन में आया कि ये संध्या का समय न दिन है न रात है, इसलिए इसी समय इसका वध किया जा सकता है, परंतु ना ये अस्त्र से मर सकता है न शस्त्र से। तब उन्होंने अपने वज्र को समुद्र के फेन से आलेपित कर दिया। स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से उसमें प्रविष्ट हो गए और दुर्गा माता का ध्यान करके उन्हें वज्र बित्तासुर फेंका जिससे बित्तासुर का वध हो गया। अपने दूसरे पुत्र बित्तासुर की मृत्यु का समाचार सुन के पिता त्वष्टा बड़े दुखी हुए और उन्होंने इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप दे दिया, जिससे भयभीत होकर के इंद्र मानसरोवर में कमल के नाल में छुप करके नहाने लगे। उधर स्वर्ग में इंद्र के न होने से अराजकता फैल गई, स्वर्ग भयभीत शून्य हो गया। तब देवताओं ने राजसी नहुष को जो स्वर्ग का राजा बना दिया। यद्यपि ये दूसरा राजा नहुष
धर्मात्मे थे, परंतु स्वर्ग की राशि वृत्ति के कारण वो शची इंद्राणी पर विषासक्त हो गए। शची पहले ही अपने पिता पति के वियोग में दुखी थी, और जब उसने देखा कि ये दूसरा राजा मुझ पर विषासक्त है, तो वो गुरु बृहस्पति की शरण में गई और सारा वृत्तांत उनको बताया। गुरु जी ने उसको दुर्गा माता जी की आराधना करने का परामर्श दिया। शची ने माता जी की आराधना की, माता जी ने प्रकट होकर उसको दर्शन दिया और अपनी एक दूती के साथ मानसोर भेज करके पति इंद्र के दर्शन करवाए। शची ने अपनी सारी विपत्ति से पति इंद्र को अवगत कराया। इंद्र ने कहा कि शची, मैं तुझको एक युक्ति बताता हूँ, तू एकांत में नहुष के पास जाना, उससे कहना कि महाराज, मैं जरूर अवश्य आपके पास आऊँगी, परंतु आप ऐसे विलक्षण वाहन पर आइए जिसका वहन जो दिव्य ऋषि कर रहे हों, जैसे शंकर भगवान बैल पर आरूढ़ रहते हैं, भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान रहते हैं, इस प्रकार आप भी ऐसे विलक्षण वाहन पर आइए जिसका वहन दिव्य ऋषि कर रहे हों। उसकी बुद्धि को महाराज मोहित कर ही दिया था और उसने दिव्य ऋषियों को पालकी का वहन कर में लगा दिया, स्वयं इससे बैठ गया जहाँ तक कि उसने अगस्त्य जी के सिर को पांव से छुआ और सर्प सब कहा, तब अगस्त्य जी ने उसे सर्प होने का श्राप दे दिया, जिससे वो इंद्रपद से च्युत हो गए और इंद्र को पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हुई। कहने का तात्पर्य केवल यही है कि हम भक्ति नहीं, देवता भी जब घोर संकट पड़ जाते हैं उसमें वे भी इन्हीं अनंत कोटि भगवान की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण करते हैं। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनका उन्हीं के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महान सरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल इसी दिव्य विराजमान होती आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक है, उपाय के तीन स्वरूप और इन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती हुई परिक्रमा करती बहरी हैं, जिसमें आप स्नान करते हैं, जनावंत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पार गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में महाराज का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से धन ऐश्वर्य मिलता है, क्लीं के चरण से शक्ति प्राप्त होती है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्चे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता के चरण बैठे हुए हम सभी भक्त यहाँ तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविचे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा शेरा वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं को अपने मन में सुन जो माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की बेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी भेंटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री मणिंदर जी से, अपनी मधुर भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मणिंदर। जय जय भावना की जोत को जगा के देखिए, भावना की जोत को जगा के देखिए, के बोलती है मूर्ति बुला के देखिए, के बोलती है मूर्ति बुला के देखिए, भावना की जोत को जगा के देखिए,
उसको बुला के देखिए
की है मूर्ति बुला के देखी आहा के बोलती है मूर्ति बुला के देखी बोलती है मूर्ति बुला के देखी हाँ भावना की ज्योत को जगा के देखिए भावना की ज्योत को जगा के देखिए कर देख ले मिटा कर देख ले हम मिटा कर तू खुदी माँ को ध्या कर देख ले मिटा कर तू खुदी माँ को ध्या कर देख ले वो चली आएगी दौड़ी बुला के देखिए चली आएगी दौड़ी बुला के ज्योत को जगा के देखिए भावना की ज्योत को जगा के देखिए आगे बोलती है मूर्ति बुला के देखिए बोलती है मूर्ति बुला के देखिए आगे बोलती है मूर्ति बुला के देखिए बोलती है मूर्ति बुला के देखिए आगे बोलती है मूर्ति बुला के बोलती है मूर्ति बुला के देखिए आके बोलती है मूर्ति बुला के देखिए बोलती है मूर्ति बुला के देखिए जय करा आशीर्वाद जी का बोले सच्चे दरबार की जय एक दिन पशु कर रहे श्री यशपाल जयकार श्री जय भोल सच्चे दरबार की जय दिल दिया गल्ला करा तेरे नाम दिल दिया गल्ला करा तेरे Oh, yes.
शरण में हो मानिहार तू हो सामने में हो चनाना दिल दिया गल्ला करा तुर दिला तू हो सामने में हो चनाना दिल दिया गल्ला नाल पर दे जन्म दिया मेरी पूरी कर दे जन्म दिया मेरी पूरी कर दे खाली मेरी टोली पंखी नाल पर दे हाँ खाली मेरी टोली पंखी नाल पर दे करा तेरे नाल तू हो सामने
जयकार भोल सच्चे दरबार की जय। एक बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार। जयकारा शेरोवाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। इतनी सी अरदास है मेरी हे मैया पूरी कर दो, शरण में अपनी लेकर मुझको हाथ मेरे सर धर दो। मैं तो मांगू प्यार तेरा मां, बस यही धन मुझको दे दे। माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए। बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, 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 माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए। बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए माँ, बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए। के जैसा दूजा कोई जग में न मीत है, माँ के जैसा दूजा कोई जग में न मीत है, माँ के जैसा दूजा कोई जग में न मीत है, माँ के जैसा दूजा कोई जग में न मीत है, जग में न मीत है माँ जग में न मीत है, जग में न मीत है जग में न मीत है। एक तेरा प्यार सच्चा सच्ची तेरी प्रीत है, एक तेरा प्यार सच्चा सच्ची तेरी प्रीत है, सच्ची तेरी प्रीत मैया सच्ची तेरी प्रीत है, सच्ची तेरी प्रीत मैया सच्ची तेरी प्रीत है। वो सच्चा जे प्यार तेरा बार बार चाहिए, 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 तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार 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 चाहिए। बच्चों के लिए तो माँ ही सच्ची सरकार है, बच्चों के लिए तो माँ ही सच्ची सरकार है, बच्चों के लिए तो माँ ही सच्ची सरकार है, बच्चों के लिए तो माँ ही सच्ची सरकार है, सच्ची सरकार है सच्ची सरकार है, सच्ची सरकार है सच्ची सरकार है। वो दुनिया की दौलतों से महंगा माँ का प्यार है, दुनिया की दौलतों से महंगा माँ का प्यार है, वो दिल का करार दिल बेकरार चाहिए, करार दिल बेकरार चाहिए, दिल का करार दिल बेकरार चाहिए, दिल का करार दिल बेकरार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए,
बेशुमार चाहिए, बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए माँ, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए माँ, तेरा प्यार चाहिए, प्यार चाहिए माँ, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए माँ, तेरा प्यार चाहिए, उन्नीस दिन पल पल सुमिरन तेरा हो, 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 हमेशा ही तेरा ही बसेरा हो, दिल में हमेशा ही तेरा ही बसेरा हो, दिल में हमेशा मैया तेरा ही बसेरा हो, दिल में हमेशा मैया तेरा ही बसेरा हो, वो सपना हमारा होना साकार चाहिए माँ, सपना हमारा होना साकार चाहिए माँ, तेरा प्यार चाहिए माँ, तेरा प्यार चाहिए, 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 जब जब मैया तेरी चौखट पे आऊँ मैं, 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 हक अपना मैं तेरे प्यार में जताऊँ 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 मैं, भक्तों को बस यही अधिकार चाहिए, भक्तों को बस यही अधिकार चाहिए माँ, भक्तों को बस यही अधिकार चाहिए, भक्तों को बस यही अधिकार चाहिए माँ, तेरा प्यार चाहिए माँ, तेरा प्यार चाहिए, 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 वो बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, 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 तेरा प्यार, तेरा प्यार, तेरा प्यार चाहिए माँ, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए माँ, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए माँ, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए माँ, तेरा प्यार जयकार शेरवली का बोल सच्चे दरबार की जय, द्वारा खोल के रखना माँ के अज तेरे बछड़े ने आना है, द्वारा खोल के रखना माँ के अज तेरे बछड़े ने आना है, द्वारा खोल के रखना माँ के अज तेरे बछड़े ने आना है, द्वारा खोल के रखना माँ के अज तेरे बछड़े ने आना है, तेरे बछड़े ने आना है, तेरे लाल ने आना है, तेरे बछड़े ने आना है, बछड़े ने आना है,
रखनामा के अज तेरे बचने ने आना बाड़ा बाड़ा खोल के रखनामा के अज तेरे बचने आना है चुनरी चढ़ानी है द्वारा खोल के रखना माँ के तुझको चुनरी चढ़ानी है ओ द्वारा खोल के रखना माँ के अज तेरे बचड़े ने आना है द्वारा खोल के रखना माँ के अज तेरे बचड़े ने आना है ओ तेरे बचड़े ने आना है तेरे लाल ने आना है तेरे बचड़े ने आना है तेरे लाल ने आना है तेरे बचड़े ने आना तेरे लाल ने आना है तेरे बचड़े ने आना है तेरे लाल ने आना है द्वारा खोल के रखना माँ के अज तेरे बचड़े ने आना है द्वारा खोल के रखना माँ के अज तेरे बचड़े ने आना है दूरू दूरू तेरे बचड़े तुझको छतर चढ़ाना है द्वारा खोल के रखना माँ के तुझको छतर चढ़ाना है द्वारा खोल के रखना माँ के अज तेरे बचड़े ने आना है द्वारा खोल के रखना माँ के अज तेरे बचड़े ने आना है दूरू दूरू तेरे बचड़े तुझको भोग लगाना है द्वारा खोल के रखना माँ के तुझको भोग लगाना है द्वारा खोल के रखना माँ के अज तेरे बचड़े ने आना है द्वारा खोल के रखना माँ
बचड़े ने आना है तेरे लाल ने आना है तेरे बचड़े ने आना है तेरे लाल ने आना है तेरे बचड़े ने आना है तेरे लाल ने आना है तेरे बचड़े ने आना है तेरे लाल ने आना है बोला खोल के रखना रखना माँ के अच्छे बचड़े ने आना है द्वारा खोल के रखना माँ के अच्छे बचड़े ने आना है 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 के बचड़े ने आना है जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय स्वर्गांगने वेणु मृदंग शंख देरी निनादे रूप गीयमाना कोलाहलेरा कलिदातवासु विद्याधरी नित्य कला सुखाय सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज की परम पावन संध्या कालीन आरती वेला में दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज भरोसनी काशी व्रत के दिन माता जी के चरणों में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज के दिन व्रत उपवास द्वारा जप पूजा पाठ दान तथा रात्रि भर जाग करके भगवान विष्णु की आराधना करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आप सभी का माता जी के इस दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। ओम पुनस्तादित्या रुद्रावसवा समिंददान पुनर्ब्रह्मान वसुरीथयते कृतेन संतन्म वर्धयस्य सत्याः सन्तु यजमानस्य कामा मन्त्रार्था सफला पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां उदयस्तव श्रीर्वर्चस्व आयुष्यमारोग्यमामेधा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ की आरती है, सभी बोलेगा। ओम जय अम्बे गौर मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुमको निज दिन जावत मैया जी को निज दिन जावत हरि ब्रह्मा जीवनी ओम जय अम्बे ओ जल से दो नैना ओ जल से दो नैना चंद भगन नीको ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेव रक्तांबर राधे मैया रक्तांबर राधे रक्त पुष्प गल माला रक्त पुष्प गल माला कंठन पर धारे ओम जय अम्बे गौरी हे हरि वाहन राज खड्ग खपर धारी मैया खड्ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी
मैया नाला प्रेमोती कोटि का चंद दिवाकर कोटि का चंद दिवाकर समराज ज्योति मोचे हमने गौरी सुंभ विदारी महिषासुर गाते मैया महिषासुर गाते वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूजनीय श्री प्यारी महाराज माता की पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता की आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जहाँ बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, 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 सभी
सभी भक्तियां दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो रहि, यशो देहि दिशो रहि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःख भाग् भवेत्, मा कस्य दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। परम पूजनीय श्री प्यारे महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जहां बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता। गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदरे, तृतीय स्मरण शारदा, मेरे कार्य करो हमेश जय मां। आनंदी आनंद करो, कल्याणी कल्याण, पहर जो सठ गई, जो चरणा का ध्यान दे मां।
खड़गम चक्रगदेशु चापपरजां शूलम्ब शुण्डिं चरा शङ्खं सन्दधतिङ्करेष्टिनयनां सर्वाङ्गभूषामृतां लीलाशन्दसिंहास्तपाददशिकां सेवे महाकालिकां यामस्तो स्वपितरौकमलजो अन्तं मधुकेतवम् अक्षस्वपरशुं गदेषु पुलिशं परमं धनुष्कुण्डिका दण्डं शक्तिमतिं च धर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं भाजसुदर्शने च दधि अस्ते प्रसन्नानां सेवे सेवमर्दनीमहिमा लक्ष्मी सरोजस्थिता घण्टा शूलहलादिशङ्खमुसले चक्रं धनुसायकम् हस्ता दीर्घलिङ्गणान्तविलस छेदाशु तुल्यप्रभा गौरी देहसमुद्भवामृजरुता आधारभूता महा पूर्वा मत्र सरस्वती मनुमते शुम्भादिदेत्यादिनी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च तथा त्वमेव त्वमेव विद्या सविनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव शान्ताकारं भुजगचरितं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुभवनं सर्वलोकैकनाथं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं चिदानन्दं हरे मुरारे मधुकेतवारे गोविन्द गोपाल वासुकि धोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्यां प्रदेहि भगवन् नमोस्तुते हे माई मेरी सचिया ज्योता वाली माता तेरी सलाहि जय पंच फूला रानी माता तेरी सलाहि जय सर्वतदा भला करने वाली माता तेरी सलाहि जय सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सलाहि जय लोंगड़ा वीर ठाकुर तेरी सलाहि जय बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जय धर्म की जय धर्म की जय अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भाव का हो प्राणियों में सद्भाव का हो प्राणियों में सद्भाव का हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो बोलो हर 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 महादेव बोलो बाबा श्रीहरि की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय आप सभी भक्तजनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो बोलो सच्चे दरबार की जय माता जी।